नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मैं डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, सस्य वैज्ञानिक भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान खंडवा रोड इंदौर से बोल रहा हूँ। मैं आपको अभी सोयाबीन की बोनी तथा अन्य सस्य क्रियाएँ संबंधित जानकारी आपको देना चाहूँगा, ताकि आप अभी आगामी फसल में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन पा सकें और लाभ बढ़ा सकें। तो सोयाबीन की बोनी के टाइम आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें, ताकि आप बदलते जलवायु परिदृश्य को देखते हुए सोयाबीन के उत्पादन एवं उत्पादकता को स्थिरता के साथ साथ आप बढ़ा सकें। तो अभी जैसे मानसून आ गया है, मानसून आ रहा है, तो जैसे ही मानसून की बारिश होती है, बारिश के बाद में जैसे ही आपकी भूमि है, खेत है आपका कंडीशन में आता है, तो आप बुआई कर दें। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोयाबीन की बुआई आप 20 जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह, मीन्स जून के द्वितीय सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो अच्छा रहता है, उत्पादन अच्छा मिलता है। और बुआई के, यदि बुआई के लिए आप यंत्र हैं जैसे ब्रॉड बेड फ्लो मशीन है, सीड ड्रिल है, उनका उपयोग करते हैं, तो उनमें से बीबीएफ मशीन का यदि आप उपयोग करते हैं तो उसके निश्चित तौर पे फायदे हैं। बीबीएफ मशीन जहां उपलब्ध हो और आपके कुछ जो हायरिंग सेंटर हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, वहां पे भी यदि इसकी उपलब्धता हो तो आप वहां से बीबीएफ मशीन लेके बुआई करें, क्योंकि उससे आपके खेत में जब एक क्यारी बनती है और दो नालियां बनती है, तो उन नालियां हैं वो ज़्यादा बारिश होती है तो पानी निकालने के काम में आती हैं, और जब बारिश नहीं होती है तो उसमें नमी का संरक्षण के भी काम आती हैं। तो बीबीएफ से बुआई करने से आपकी जो जलवायु के बदलते परिवेश में है, आप उत्पादकता में स्थिरता रख सकते हैं। और सीड्रिल से यदि आप बुआई करते हैं तो बुआई के बाद में आप 6 या 9 लाइन के बाद में एक नाली निकाल दें, कोड़ निकाल दें, ताकि उससे ज़्यादा बारिश हो तो उससे पानी को खेत से बाहर निकाला जा सके।